हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं एप्पल कंपोट। इसके लिए हमने एक कटा हुआ एप्पल ले लिया है, मतलब काट लिया है उसको, एप्पल को विद स्किन, और ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये हमने लिया है बटर 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून हमने ली है चीनी, 1/4 टीस्पून हमने ली है दालचीनी पाउडर। एक्चुअली एप्पल के साथ ना दालचीनी बहुत अच्छे से जाता है ये फ्लेवर। तो सबसे पहले हम पैन को हीट करना रख दिया है, उसमें डाल रहे हैं बटर, और बटर पिघलना शुरू होते ही हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ सेव एप्पल। इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। देखिए ऐसी आवाज आना शुरू हो जाए मीडियम फ्लेम पर। अब हम डाल देंगे इसमें ये चीनी, शुगर और दालचीनी पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक्चुअली कैरमलाइज हो जाएगा। आप देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसा बनना चाहिए। और ये मिक्सचर ना हम फिलिंग की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे आप क्रेप के अंदर भर सकते हैं, है ना, और पेस्ट्रीज, पफ पेस्ट्रीज में डाल सकते हैं, किसी भी चीज में फिलिंग की तरह से इसको यूज कर सकते हैं, वॉफल पर यूज कर सकते हैं, यानी फ्रेश फ्रूट फिलिंग हो गई है, इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनती है, फटाफट तैयार होता है। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। जो भी रेसिपी आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको पसंद आती हैं तो भी लिखिए, नहीं पसंद आती तो भी लिखिए, ताकि जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं किस टाइप की रेसिपी बनाऊं, मुझे पता चल सके। और जब कुछ इस तरह का दिखने लग जाए ना, जैसे पानी ज्यादा नहीं दिख रहा है चीनी का, तो थोड़ा गैस को बिल्कुल स्लो करके और इसको ऐसे पैट कर दो थोड़ा सा, ताकि वो मिक्स हो जाए, मतलब एक एक पीस अलग अलग ना दिखे, हल्का सा मिक्स हो जाए। और इतने ही आप पीस काटिए छोटे छोटे। तो अब ये रेडी है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये एप्पल कंपोट बहुत बढ़िया लगता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिए, ये एप्पल कंपोट बनकर तैयार है। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। जो बच्चे मीठा पसंद करते हैं ना, उनको आप ब्रेड तवे पर सेक कर अंदर ये फ्रूट फिलिंग कोई भी तरह की दे दीजिए, दे विल लाइक इट। Thank you so much for watching my recipe.